टेल मी विभा, ये कितने डिग्री का एंगल है? जीरो. कितने डिग्री का है? जीरो. जब कोई भी एंगल अपनी जगह से स्टार्ट होता है तो हमेशा कितने डिग्री का होता है? जीरो. कितने डिग्री का होता है? जीरो. जीरो डिग्री का. कितने डिग्री का होता है? जीरो. हमने ऑलरेडी डेफिनेशन बता रखी है ना तुम लोगों को. ओके. आप बताओ कितने डिग्री का एंगल है? अक्यूट है. अक्यूट एंगल की डेफिनेशन क्या होती है? जीरो डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम के एंगल को हम क्या बोलते हैं? अक्यूट एंगल. क्या बोलते हैं? अक्यूट. तो अब डेफिनेशंस की याद हो जाएगी ना इस तरह से. देखिए कि जीरो डिग्री से ज्यादा है, तुमको साफ साफ दिख रहा है ना कि जीरो डिग्री से ज्यादा है और 90 डिग्री से कम के एंगल को हम क्या बोलते हैं? अक्यूट. अक्यूट एंगल. क्या बोलते हैं? अक्यूट एंगल. नाउ इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल. क्या बोलते हैं? राइट. हमने तुमको डेफिनेशन बता रखी कि जीरो की एग्जैक्ट 90 डिग्री के एंगल को हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल. क्या बोलते हैं? राइट एंगल. एकदम 90 डिग्री के एंगल को हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल. क्या बोलते हैं? राइट एंगल. राइट एंगल. गुड. आगे आप बताओ ये कौन सा एंगल होगा? ऑब्ट्यूज. कौन सा एंगल होगा? ऑब्ट्यूज. हमने डेफिनेशन आपको ऑलरेडी बता रखी है कि 90 डिग्री से ज्यादा के एंगल को और 180 डिग्री से कम के एंगल को क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल. क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल. क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज. 90 डिग्री से ज्यादा, साफ साफ दिख रहा है कि नहीं? 90 से ज्यादा है और 180 से कम है, तो 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम के एंगल को क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल. क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल. गुड. अब देखो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ तक आ गया. अब कितने डिग्री का एंगल बन गया? ये 180 डिग्री का एंगल. कितने डिग्री का बन गया एंगल? ये 180. इसे क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल. क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल. यानी कि डेफिनेशन यहाँ से क्लियर होते जा रही है कि 180 डिग्री के एंगल को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल बोलते हैं. चलो नेक्स्ट. अब देखो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ मोर देन 180 डिग्री. कितना डिग्री हुआ? मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री. यानी कि अब ये कौन सा एंगल हो गया? रिफ्लेक्स. तो रिफ्लेक्स एंगल की डेफिनेशन क्या हुई? 180 से ज्यादा और 360 डिग्री से कम के एंगल को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल. अभी ध्यान से देखो, अभी ये कितने कौन सा एंगल बन रहा है? रिफ्लेक्स. कौन सा एंगल बन रहा है? रिफ्लेक्स. गुड. अब ये कौन सा एंगल बन रहा है? रिफ्लेक्स. और फाइनली अब ये कौन सा एंगल बन गया? यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट हुआ तो कंप्लीट. और कितने डिग्री का बना? 360. 360 डिग्री का. इट मींस कि ये क्या हो गया? आपका कंप्लीट एंगल हो गया. जब एक पॉइंट से चल के पूरा पॉइंट घूम के हम पुनः उसी पॉइंट पे आ जाते तो कंप्लीट वो पूरा एक सर्कल घूम के आए, तो इस एंगल को हम क्या कहेंगे? कंप्लीट एंगल कहेंगे, जो कि कितने का होता है? 360 डिग्रीज का होता है. ओके.